एंड व्हाट हैपेंड। जब उसका इंटरव्यू पब्लिश हुआ तो उसके ऊपर जनाब वो काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका देखो कितने गलत काम कर रहा है, दे आर स्पाइंग ऑन द सोवियत टेरिटरीज। और उससे भी बड़ा जो खतरनाक काम हुआ वो ये था कि पाकिस्तान वॉज यूज फॉर दैट। अच्छा, पाकिस्तान वॉज नॉट अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट एट दैट टाइम, 64। वी वर वीक स्टेट एंड वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड अदर कंट्रीज। सो पोलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली वी वर वीक। अच्छा, हमारी ये जो हरकत थी दैट वॉज अ थ्रेटनिंग मैसेज हमें आया सोवियत यूनियन की तरफ से। और सोवियत यूनियन ने क्या किया कि पिशावर को अपने मैप्स के ऊपर इनसर्कल किया और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम इफ एनीथिंग हैपेंस पिशावर विल नॉट बी ऑन द मैप ऑफ अर्थ। सो दिस वाज अ धमकी फ्रॉम अ यू नो न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड इट वाज अ थ्रेटनिंग मैसेज फॉर अ यू नो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो कि बड़ी वीक स्टेट थी एंड विच वाज ऑलरेडी रेलिंग, इट्स इकोनॉमी वाज रेलिंग, दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज एंड यू नो दे वर फेसिंग इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन टू फ्रंट्स। अच्छा, ये तो टाइम हो गया बड़ा डेंजरस किस्म का। तो वी रिक्वेस्टेड द अमेरिकन्स एंड अमेरिकन्स देन अबंडन दैट बेस और उन्होंने वो बेस खत्म की और वहां से वो चले गए। दूसरी जो चीज हुई इस इरा के अंदर इंपॉर्टेंट वो थी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू पाकिस्तान। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रोवाइडेड सिक्योरिटी एंड असिस्टेंस टू द सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू पाकिस्तान एंड इन रिटर्न दे वांटेड यू नो अ बेस इन पाकिस्तान एंड दे वांटेड इन रिटर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस इन पाकिस्तान। एंड ड्यूरिंग द ग्लो यू नो अयूब इरा, दिस इरा वॉज कॉल्ड एज द गोल्डन इरा बिकॉज पाकिस्तान इकोनॉमी ग्रीव एट दैट टाइम और बहुत बड़े लेवल पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई उस दौर में। पाकिस्तान रिसीव्ड ह्यूज एड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा थी कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज जिसकी वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी ग्रीव एट अ यू नो एट अ रैपिड पेस। अच्छा, फिर इसके अंदर जो फ्रिक्शन हुई हमारी ये तो थी कन्वर्जेंस ना, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस हमारी कन्वर्जेंस थी। अयूब इरा का जो गोल्डन इरा जिसे कहते हैं इकोनॉमिक, वहां पे बूम आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, डैम्स बने आपके, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इरा फॉर पाकिस्तान। तो दैट वाज आल्सो कन्वर्जेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस। डाइवर्जेंस कहाँ पे हुई? डाइवर्जेंस तीन एरियाज पे हुई, क्लैश ऑफ ओपिनियन जिसे कहते हैं आप। पहला इरा, पहली चीज हुई Q2 इंसिडेंट जो मैंने आपको बता दिया अभी कि अमेरिकन जो स्पाई प्लेन था, पायलट था, वो पकड़ा गया एंड इट वाज इट टर्न्ड आउट टू बी एन एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान एंड आल्सो फॉर द यूएस। यूएस कुड अब्सॉर्ब इट बिकॉज यूएस वाज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट और रशिया ने लाजमी बात उस पर हमला तो नहीं करना था, बट पाकिस्तान पेड द प्राइस। हाउ पाकिस्तान पेड द प्राइस? रशिया आफ्टर दैट सपोर्टेड इंडिया, रशिया सपोर्टेड अफगानिस्तान एंड दे यू नो कैरिड आउट हाइब्रिड वॉरफेयर, यू नो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ यू नो टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इनसाइड पाकिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर और स्पेशली आपका केपीके के अंदर उन्होंने बहुत सारी इस तरह की हरकतें की। ग्रेटर पख्तूनिस्तान का शोशा छोड़ा उस दौर में, इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का शोशा छोड़ा एंड रशिया, इंडिया एंड अफगानिस्तान दे हैड अ नेक्सस एंड रशिया वॉज एट द बैक ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान। और दूसरा बड़ा जो हमारा कन्वर्जन डाइवर्जेंस थी यूएस के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या करता था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूज्ड टू सप्लाई वेपन्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया एज वेल। अब ये हमें बर्दाश्त नहीं होती थी चीज, वी यूज्ड टू से कि जी आप ये गलत कर रहे हैं। यूब ने काफी दफा जॉन एफ कैनेडी जो था अमेरिका का प्रेसिडेंट उसको कहा भाई आप गलत कर रहे हैं, व्हाई यू आर सप्लाइंग वेपन्स टू इंडिया, बिकॉज इंडिया इज कंसोलिडेटिंग इटसेल्फ एंड देयर वुड बी कन्वेंशनल एसिमेट्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो यू आर एक्चुअली मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्गर। तो लेकिन अमेरिका हैड देयर ओन डबल पॉलिसीज एंड अमेरिका वांटेड इंडिया आल्सो इन देयर हैंड बिकॉज इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, बिग इकोनॉमी, इकोनॉमी ना भी इतनी बड़ी हो लेकिन मार्केट बहुत बड़ी थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी एंड इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन साउथ एशिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 65 की जंग में और 71 की जंग में when we needed American support, when we needed American weapons and equipment, United States of America ने हमारे ऊपर आर्म एम्बार्गोज लगा दिया and they did not supply us, you know, weapons at that time. और उन्होंने इंडिया पे भी आर्म एम्बार्गोज लगा दिया। अब मसला कहाँ पे हुआ? मसला यहाँ पे हुआ कि we had only American weapons और we were totally dependent on the United States of America.
वेयर एज रशिया, इंडिया जो था, दे वर ऑल्सो बाइंग वेपन्स फ्रॉम द रशियंस, तो उनको तो फायदा हो गया। फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान की सप्लाई रुक गई, लेकिन रशिया ने दे कैप्ट ऑन सप्लाइंग वेपन एंड इक्विपमेंट टू इंडिया। पाकिस्तान को जो हेल्प मुसलमान मुल्कों से मिल सकती थी थोड़ी बहुत, इंडोनेशिया से, ईरान से या बाकी मुल्कों से, वो बहुत छोटी थी, मिनिमल थी। चाइना ऑल्सो कुड नॉट हेल्प पाकिस्तान इन अ ग्रेट डील बिकॉज वी हैड नो डायरेक्ट लिंकेज एट दैट टाइम। काराकोरम हाईवे उसके बाद बनी है, और उसके अलावा भी चाइना इतना भी वाइब्रेंट नहीं था, इतना पावरफुल नहीं था बेचारा, ऑलरेडी वो भी काफी वीक थे। सो अल्टीमेटली वी पेड द प्राइस। 65 की जंग भी बड़ी मुश्किल से वी सर्वाइव्ड, और बड़ी मुश्किल से वी डिफेंडेड आवर सेल्फ, लेकिन बचत हो गई। 71 की जंग में बचत नहीं हो सकी। 71 की जंग में वी फेस्ड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इन ईस्ट पाकिस्तान, एंड हमारी वहां पे जो लड़ाका फौज थी वो तकरीबन 34,000 के करीब थी, जो कि बाकी सपोर्टिव इधर उधर मिला मिलू के कोई 90,000 बन जाती थी। लेकिन इंडिया की वहां पे जो फोर्सेस थी, इंडिया डिप्लॉयड ह्यूज 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 मिलिट्री देयर, और कोई 1.5-2 लाख की फौज उनकी। उसके अलावा इंडिया ऑल्सो हैड सपोर्ट ऑफ मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी वॉज अ टेररिस्ट ग्रुप विच इंडिया कल्टिवेटेड, और उनको 1.5 लाख के करीब वो दहशतगर्द थे जिन्होंने पाकिस्तान को दो लख्त करने में अपना रोल प्ले किया। फोर एक्टर्स वर इन्वॉल्व इन 71। वन, मुजीबुर रहमान, ही प्लेड इन द हैंड्स ऑफ द इंडियंस। नंबर टू एक्टर वॉज जुल्फकार अली भुट्टो। ही ऑल्सो इग्नोर्ड द पोलिटिकल लेजिटिमेसी, पोलिटिकल यू कैन से अथॉरिटी ऑफ मुजीबुर रहमान, हालांकि वो जीत गया वहां से, तो उसको चाहिए था कि मुजीबुर रहमान को पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने देता। तीसरा जो गंदा एक्टर था, दैट वाज याया खान, उसने इसको मिलिटरली मिसहैंडल किया। ही वाज इनकॉम्पिटेंट पर्सन, और उसकी वजह से उसने आगे जो जनरल जनरल टिका खान था, या मूसा खान था, या जनरल एके नियाज़ी था, उनको यूज किया, और ब्रूटल किस्म के ऑपरेशंस किए जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमें नुकसान हुए। और चौथा और डिसाइसिव एक्टर जो था, दैट वाज इंडिया। अगर इंडिया रोल प्ले ना करता तो हमारा ये पॉलिटिकल मसला था, ये पॉलिटिकल मसला हल हो सकता था, इट वाज अवर इंटरनल मैटर, बट वी हैड टू पे द प्राइस। और तीसरा जो बड़ा हमारा डिस्कॉर्ड था पाकिस्तान और यूएस का, दैट वाज न्यूक्लियर रिलेटेड। सून आफ्टर 1971, आफ्टर द डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान डिसाइडेड टू गो फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। उससे पहले हमारा न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम का कोई प्लान नहीं था। तो पाकिस्तान डिसाइडेड टू गो फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। जब पाकिस्तान ने अपना प्रोग्राम कंसोलिडेट किया, और 74 तक पाकिस्तान ने कोशिश की है कि तूफान भी आ गया, तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी, और उनको उन सैंक्शंस का नाम है ग्लेन अमेंडमेंट्स। ग्लेन अमेंडमेंट्स उन्होंने लगाई, और उन्होंने अपने लॉज को चेंज किया, और उसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिका एंड अमेरिकन एलाइज, दे आर नॉट गोइंग टू सप्लाई एनी नो हाउ, टेक्नोलॉजी, मटेरियल टू अ कंट्री व्हिच इज नॉट सिग्नेटरी टू एनपीटी। नाउ व्हाट इज एनपीटी? एनपीटी इज नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बेसिकली। यानी कि इस ट्रीटी का मकसद ये था, 67-68 में ये बनी, कि कोई भी मुल्क इसके बाद न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, एंड न्यूक्लियर एनर्जी विल ओनली बी यूज फॉर पीसफुल पर्पसेस। लेकिन सिक्योरिटी की कंसर्न्स की वजह से पाकिस्तान हैड टू गो फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि 74 में इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया था, और हमारे लिए इट वाज इनएविटेबल फॉर पाकिस्तान टू गेट न्यूक्लियर वेपन्स। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास बचत नहीं थी उसके बाद, और 71 की जंग के बाद इंडिया बहुत अग्रेसिवली आगे आया, और उसने जिस तरीके से पाकिस्तान को रोंदना चाहा, अगर न्यूक्लियर वेपन ना होते तो आज हमारा हाल बहुत बुरा होता। सो गाइज, दिस वाज द फर्स्ट ईरा जिसके अंदर अमेरिका फोकस्ड ऑन द कंटेनमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, जिसके अंदर दे प्रोवाइडेड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू पाकिस्तान। दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस बिटवीन टू कंट्रीज। उसके अलावा पाकिस्तान का जो गोल्डन ईरा था, अयूब खान का ईरा, ड्यूरिंग दैट पीरियड पाकिस्तान कल्टिवेटेड गुड पोलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज विद द यूएस। और हमारे तीन बड़े जो जैसे कह सकते हैं डिस्कॉर्ड कह सकते हैं, डाइवर्जेंस कह सकते हैं, वो तीन बड़े इंसिडेंट थे। एक यूटू का इंसिडेंट था, आर्म एम्बार्गोस था 1965 की जंग में और 71 की जंग में, और तीसरा था न्यूक्लियर रिलेटेड सेंक्शंस विच अमेरिका इम्पोज ऑन पाकिस्तान ड्यूरिंग 1974। 79 के बाद ये सेंक्शंस हट गई, और क्यों हट गई? वो इस वजह से हटी क्योंकि अमेरिका केम टू अफगानिस्तान, और सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया
अफगानिस्तान पे उसने आके कब्जा कर लिया। ऑल दो इट केम विद दी यू नो विद दी परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान विच वॉज कम्युनिस्ट रिजीम एट दैट टाइम। तो उन्होंने बुलाया अफगानिस्तान में इनको कि जी आए हमारी हेल्प करें, लेकिन उसके बदले में सोवियत यूनियन ने क्या किया, उल्टा उन्हीं को उठा के बाहर मारा और सोवियत यूनियन ने पूरे जो था अफगानिस्तान था उसके ऊपर कब्जा